नमस्कार मध्य प्रदेश के भविष्य के सभी शिक्षकगणों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत इन्फोटेक में हम जहां से आपको प्रोवाइड कराते हैं हर एग्जाम संबंधी जानकारी सबसे पहले और सटीक रूप से दोस्तों आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के बड़े ऐलान किया है कहीं ना कहीं उनके लिए जो है बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो होने हो चुकी है उसमें जो परिणाम बनेंगे या जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगी जब आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा उसके संबंध में बड़ी खबर निकल के आ रही है तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए आए हो और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों चलिए देखिए मध्य प्रदेश में एमपी न्यूज ओबीसी को सत्ताईस प्रतिशत और सबन को दस प्रतिशत आरक्षण कमलनाथ की बड़ी घोषणा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश के अलावा पूरे प्रदेश पूरे भारत देश में सबन आरक्षण दस प्रतिशत जो है ये मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो पर लागू होगा या नहीं होगा साथ ही साथ सत्ताईस जो आरक्षण बड़ा ही विवादित प्रश्न बना हुआ है मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए कि जारी किए हैं और अभी भी जो लोकसभा चुनाव का मुद्दा अड़ा हुआ है वो ओबीसी आरक्षण है यहाँ बीजेपी इसको लागू कराना

विभिन्न प्रकार की अभी जो उनकी जो हुई थी अभी जो विधानसभा चुनाव के अंतर्गत उन्होंने कर्ज माफी योजना के अंतर्गत बताया था तो उसके नीचे दिया गया साथ ही साथ महत्वपूर्ण खबर आपके लिए यही रहेगी कि कि जो सब आरक्षण है वो दस परसेंट आपकी परीक्षा जो भारतीय शिक्षक भर्ती बारी एक और दो हुई है उसमें होगा लागू और सत्ताईस आरक्षण ओबीसी का कोई फायदा नहीं हो सकता अभी क्योंकि देखिए इसका कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं आ चुका है मैं आपको बता देता हूँ कोर्ट ने क्या कहा था इसके संबंध में यहाँ देखेंगे ओबीसी आरक्षण सत्ताईस जो मिलने वाला है उसके संबंध में क्या कहा गया है पंजाब केसरी की खबर थी देखते हैं दोस्तों के

yeah <sniffs> आगे देखें क्या है मध्य प्रदेश में उप महाधिवक्ता अजय गुप्ता ने बताया कि जब पीजी प्री पीजी के मामले की सुनवाई चल रही थी तभी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि आठ मार्च दो हजार उन्नीस को सत्ताईस फीसदी आरक्षण का प्रावधान का जो अध्यादेश लाया गया है उसका सरोकार सिर्फ सर्विसेज से था ना कि एजुकेशन से क्योंकि पी जी सी के सताइस फीसदी आरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता है ओबीसी वालों को सिर्फ सर्विसेज के सिलसिले में यह लाभ प्रदान किया जाएगा फिलहाल एजुकेशन के रोस्टर को लेकर इसे लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है सरकार ने शिक्षा सत्ताईस फीसदी ओबीसी रिजर्वेशन पर रोक लगाने के परिपेक्ष्य में कोई ऐतराज नहीं है सरकार सवाल के जवाब में सरकार की ओर से हामे के जवाब दिया गया है जिसके लिए पीपीजी काउंसलिंग में सत्ताईस फीसदी ओबीसी रिजर्वेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है और वहीं ओबीसी आरक्षण के मामले में स्थिति और स्पष्ट करते हुए राज्यसभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा ने ट्वीट किया गया कि वह आगामी सप्ताह हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखेंगे और इसके पक्ष में जरूर वो कहेंगे इस संबंध में हाईकोर्ट के अंतरिम स्थानीय निर्देश के साथ ही सरकार के को नोटिस जारी कर दिए जवाब तबाब भी किए गए जिसके लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है और लिहाजा अब सरकार अपने

दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जय दोस्तों जय भारत